हेलो एवरीवन आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं मैं यहाँ पे एक केक टिन ले ली हूँ केक टिन को हमें सबसे पहले ग्रीस कर लेना है तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगी तो जब भी मैं केक वगैरह बनाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं यही प्रोसेस करती हूँ केक टिन को सबसे पहले मैं ग्रीस कर लेती हूँ दोस्तों अगर आप लोगों को आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा केक टिन को हमें अच्छी तरह से चारों साइड से ग्रीस करना है किनारे में भी अच्छे से वही लगा लेना है देखिए अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है तो मैं इस पर थोड़ा सा मैदा डाल करके स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और चारों साइड से हमें इस मैदा को फैला लेना है अगर आपके पास बटर पेपर होना तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैदा नहीं डालिएगा इसके ऊपर से आप बटर पेपर को डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा मैदा को निकाल देना है अब एक बाउल में हमें आधा कप डाल लेना है दही तो दही हमें यहाँ बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल करना है फ्रीज का या फिर खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करना है अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर शुगर चीनी को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे चार से पाँच चम्मच डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल तो सरसों का तेल छोड़ कर के जो भी तेल आप खाते होंगे ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बस इसमें हमें सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है और ना तो खुशबूदार तेल का और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि ये सभी चीज़ एक दूसरे में जा करके मिल ना जाए देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स करना है थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्सचर जैसा हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का सा लाइट हो जाएगा देखिए देख रहे हैं तो चलिए अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो हमें यहाँ पे एक छन्नी लेनी है और उसके बाद इसमें डाल लेना है मैदा तो मैं यहाँ पे दो कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो मैदा की जगह पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं इंस्टेंट वाला केक बनाकर तैयार कर रही हूँ तो हमने यहाँ पे आज मैदा का इस्तेमाल किया है उसके बाद मैं यहाँ पे पाँच चम्मच डाल ले रही हूँ कोको पाउडर तो बिना चॉकलेट का ही केक बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप कोकोआ पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करें उसके बाद हमें हाफ टी स्पून डाल लेना है बेकिंग सोडा अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वन टीस्पून बेकिंग पाउडर तो चलिए मैं एक चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक डाल लेना है एक पिंच जब भी कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें नमक का इस्तेमाल तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए खासकर केक वगैरह में तो एक पिंच यहाँ पर आप नमक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अब इसे अच्छी तरह से हमें छान लेना है तो चलिए अभी मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी नहीं तो मिक्स करने के बाद इंस्टेंट हमें इसे बनाना पड़ेगा जब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं गैस को हमें ऑन कर लेना है अब मैं यहाँ पे केक को आज कढ़ाई में बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स तो आप चाहें तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कढ़ाई को हमें रखना है प्री हीट होने के लिए दस मिनट के लिए तो इस तरह से कोई भी स्टेन हो ना आपके पास या फिर कटोरी ही रख सकते हैं अगर स्टेन ना हो तो इसे कवर कर देना है लो फ्लेम पे दस मिनट के लिए हमें इसे गर्म होने देना है चलिए ये जब तक गर्म हो रहा है अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बिल्कुल लाइट हैंड से हल्के हाथों से अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है जैसे ही आपको ड्राइड्रा ऐसा लगे ना तो आप यहाँ पे दूध डालना स्टार्ट कर दीजिएगा तो चलिए अब मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ फिलहाल दूध के साथ साथ मैंने थोड़ी सी दूध की मलाई भी ले ली है और इसे हल्के हाथों से मैं मिक्स करती दी जाऊँगी बिल्कुल लाइट हैंड से हमें इस बैटर को मिक्स करना है बचे हुए दूध को भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ तो एक कप और चार चम्मच हमें यहाँ पे दूध लग गया है इसे मिक्स करते समय देख रहे हैं फ्रेंड्स तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड आउट में मिक्स कीजिएगा उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इस तरह की रहेगी रिबन कंसिस्टेंसी जैसे ही गिरेंगे ना नीचे देखिए रिबन जैसा होता जाएगा चलिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आप लोग भी इस तरह से ज़रूर केक बना करके के देखिएगा चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं अब हमें यहाँ पे केक टिन लेना है और इसमें हमें डाल देना है इस बैटर को चलिए इसे डाल देना है तो पूरा ओवर फुल नहीं करना है बस आधा ही बैटर डालिएगा तो मैं अपने हिसाब से परफेक्ट यहाँ पे नाप करके इस बैटर को बनाकर तैयार की हूँ परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप ही केक बनाइएगा चलिए अब देख लेते हैं कढ़ाई को तो कढ़ाई भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है दस मिनट हो चुके हैं अब हमें आराम से इसमें डाल देना है केक टिन को चलिए मैं यहाँ पे केक टिन को डाल दे रहे हैं दोस्तों अगर आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी अच्छी लग रही होगी ना तो इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग को भी जब भी केक बनाने की इच्छा होगी ना तो बिना ओवन के ही कढ़ाई में केक बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना कोई ताम झाम के इंस्टेंट वाला ये केक है इंस्टेंट बनकर तैयार होता है अब मैं इसे कवर कर दी हूँ कवर करके हमें लो फ्लेम पे इसे पैंतालीस से पचास मिनट के लिए बेक होने देना है थोड़ा बहुत पाँच दस मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं इसे बेक करते समय फ्रेंड्स वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा तो चलिए पैंतालीस से पचास मिनट हो चुके हैं अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसका कवर हटाकर देखिए देखिए केक हमारा कितना मस्त फूल चुका है देख रहे हैं इसके अंदर आप कोई भी टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करके देखिएगा अगर वो क्लियर निकल रहा हो तो समझिए कि केक आपका परफेक्ट तैयार हो चुका है अगर उसमें थोड़ा सा लग रहा होगा ना तो आप इसे पाँच मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा चलिए अब गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ इसे निकाल कर मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना फिर हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है तो चलिए अब मैं इसे प्लेटफॉर्म पे रख दे रही हूँ ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी तो देखिए केक हमारे ठंडे हो चुके हैं साइड से ये जैसे ही जैसे ठंडा होगा ना तो इसके एजेस भी छोड़ते जाएंगे किनारे का जो साइड है ना ये भी छोड़ता चला जाएगा फिर भी आप एक बार नाइफ से इसे अलग कर लीजिएगा ताकि आपको निकालते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे आपके केक भी नहीं टूटेंगे अब इस तरह से कोई भी प्लेट इसके ऊपर रखिएगा और पलट कर हल्का सा हमें इसे टेप टैप कर देना है देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स तो चलिए अब मैं इसे हटा ले रही हूँ अब मैं आपको इस केक की स्पंजीनेस दिखाती हूँ देखिए क्या मस्त हमारा केक स्पंजी बन करके तैयार हुआ है बिना चॉकलेट का है घर में आप भी चॉकलेट केक बना कर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं बच्चों को तो खासकर चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इतना आसान तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ इस केक को बनाने का फ्रेंड्स तो आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है अब मैं कट करके भी आपको इसके स्पंजी इन्हें से एक बार दिखाती हूँ देखिए अभी थोड़ा सा अंदर से ये गर्म है पर कोई दिक्कत नहीं है देखिए स्पंजीनेस इस देखिए इसकी देख रहे हैं कितना फ्लपी स्पंजी हमारा ये केक बन करके तैयार हो चुका है आप चाहें तो इसे गार्निश भी कर सकते हैं ऊपर से क्रीम वगैरह या फिर चॉकलेट भी लगा सकते हैं मेल्ट करके डेकोरेशन देना डेकोरेट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे सिंपल तरीके से खाना पसंद करते हैं या फिर डेकोरेट करके ये आपके चॉइस पर डिपेंड है मैं तो आज बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से ये केक बनाकर तैयार की हूँ दोस्तों आप लोगों को भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इस रेसिपी को फैमिली वालों के साथ और फ्रेंड ग्रुप्स में पक्का ही शेयर कीजिएगा रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चलिए इस तरह से आप लोग भी केक बना करके के इन्जॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर